सीएम शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी से जुड़े। उन्होंने उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रेमजी से शिक्षा योजनाओं, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोगी बनने, बाल भवन में आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना और प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन में सहयोगी बनने पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने को लेकर सियासत गरमाई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक कदम आगे बढ़कर शराबबंदी करने की पैरवी कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि नशा करने के बाद ही रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए नशा और शराबबंदी होनी चाहिए। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के कबाड़खाना में आरएसएस कार्यालय के सामने वाली जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। केस हारने वाले सुलेमान के खिलाफ केस लड़ रहे वकील जगदीश छावनी पर शुक्रवार दोपहर करीब 2:15 बजे दो अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने के मुद्दे पर चौतरफा आलोचना के बाद शिवराज सरकार यूटर्न ले सकती है। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने कलेक्टर को लिखे पत्र पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। एक दिन पहले जारी किए गए इस पत्र में नई दुकानें खोलने के लिए प्रस्ताव मंगाया गया था। भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण केस की शिकार नाबालिग की मौत की जांच एसआईटी करेगी। घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार सुबह 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, भोपाल में बेटी को हम बचा नहीं पाए, ये साधारण घटना नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण केस की शिकार नाबालिग की मौत के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मायूस बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं है। पीड़िता और उसके परिवार के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया, कहां है जिम्मेदार, प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे। नई शराब दुकानें खोलने को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता भी समर्थन में हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा है कि शराबबंदी करने से राजस्व की हानि होगी, कर्ज और लेना पड़ेगा। अन्य देशों में यह एक उद्योग के रूप में देखा जाता है जो रोजगार और राजस्व दोनों देता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए दोनों की आवश्यकता है। इंदौर के प्रसिद्ध डेली कॉलेज के छात्रों ने कोरोना काल का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने मालवा प्रांत की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक फिल्म बना डाली। देश में ये पहली बार हुआ है जब किसी स्कूल के बच्चों ने फीचर फिल्म बनाई है, जिसे बॉक्स ऑफिस के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज किया जाएगा।